अपने गुलामी की कालीमा को पहुंच दिया और 26 जनवरी 1950 को भारत माता का अभिषेक गणतंत्र के पावन कुमकुम अक्ष तो पुण्य प्रसूनों से हमने लोकतंत्र के महामंत्र का अखंड जाप करते हुए सानंद संबंध किया। विश्व के तमाम मुल्कों के बीच आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रह रहे हैं। भारत की सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाकर हमारा मस्तक गौरव से ऊंचा कर रही है। हम परमाणु शक्ति संपन्न देश है। विश्व की श्रेष्ठतम सेनाओं में से एक है भारतीय सेना। सचिन के बल्ले को दुनिया सलाम करती है और सूचना के अधिकार ने गणतंत्र को सुदृढ़ बनाया है। फिर भी अभी कई क्षेत्रों में हमारा गणतंत्र अधूरा है। क्या ऐसे ही अधूरे भारत का सपना देखा था शहीदों ने? नहीं, कदापि नहीं। शहीदों की शहादत पर बुलडोजर चला दिए गए। 100 में से 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं, दिल पर रख कर हाथ पूछिए देश क्या आजाद है। कोठियों से मुल्क की संपन्नता मत नापिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। आप माने या ना माने, सच बात तो ये है कि आज गणतंत्र दिवस जैसे त्योहार एक औपचारिकता भर रह गए हैं। ये कैसा गणतंत्र है जहां करोड़ों लोगों को रहने के लिए झोपड़ी तक नहीं मिलती और वहीं दूसरी तरफ कई लोग बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहते हैं। केवल झंडा फहराने से असली गणतंत्र नहीं आएगा, केवल जन गण मन गाने से वास्तविक गणतंत्र नहीं आएगा। हर व्यक्ति को अपने कर्म के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा, तभी असली गणतंत्र आएगा। तुम्हारी सरपरस्ती में जले हैं कितने घर सोचो, कटे हैं कितने सर, इसका तुम्हें एहसास क्या होगा। बहालो खून सड़कों पर, मगर इतना तो बतला दो, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। 23 मार्च 1931 को 23 वर्ष की उम्र में जब सरदार भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाए जाने की तैयारी हो रही थी, तब उनकी मां विद्यावती अपने बेटे से अंतिम मुलाकात के लिए जेल गई। जब सरदार भगत सिंह ने देखा कि उनकी मां की आंखों में आंसू हैं, तब उन्होंने पूछा, ए मां, तू रो क्यों रही है? मैं फांसी के फंदे पर चढ़कर मर थोड़ी ही रहा हूँ, मैं तो अपने देश के लिए शहादत देकर अमर हो रहा हूँ। तब माँ विद्यावती ने अपने बेटे भगत सिंह से कहा, मैं इसलिए नहीं रो रही कि तू फांसी पर चढ़ने जा रहा है, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि काश मेरी कोख ने तेरे जैसा एक और बेटा पैदा किया होता तो मैं उसका जीवन भी भारत माता के लिए खावर कर देती। आज के गरिमामय अवसर पर जरूरत इस बात की है कि हम अपने मन की मुंडेर पर आत्मविश्वास के चिराग रोशन करें, तभी हमें सच्ची आजादी की मंजिलें मिलेंगी। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए जीवन के शेष बचे दिनों में इस बंजर जमीन पर ईमानदारी